बनारस में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला के पास कितनी संपत्ति है? अपने एफिडेविट में श्याम रंगीला ने क्या क्या बताया है? इस वीडियो में आपको श्याम रंगीला से जुड़ी हर बात पता चलेगी। श्याम रंगीला का असली नाम श्याम सुंदर है, लेकिन कॉमेडियन के तौर पर उन्हें श्याम रंगीला के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया है कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है। श्याम रंगीला की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बताया है कि वो 12वीं पास है और उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ से पढ़ाई की है। आइए आपको श्याम रंगीला की कुछ संपत्ति और इनकम के बारे में भी बता देते हैं। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने साल 2022-23 में भरे इनकम टैक्स रिटर्न में कुल इनकम 4,99,530 रुपए दिखाई, तो वहीं साल 2021-22 में 4,98,000 रुपए की इनकम दिखाई थी। साल 2020-21 की बात करें तो श्याम रंगीला ने 4,96,690 रुपए की कुल इनकम दिखाई थी, वहीं साल 2019-20 में 4,90,280 रुपए की कुल इनकम दिखाई गई है। आगे आपको श्याम रंगीला के बैंक अकाउंट में जमा पैसों के बारे में भी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या श्याम रंगीला के खिलाफ कोई केस भी चल रहा है। श्याम रंगीला ने अपने एफिडेविट में बताया कि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा है। जहां तक कैश की बात है तो श्याम ने अपने पास यानी कैश इन हैंड 35,000 रुपये दिखाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की वाराणसी शाखा के अकाउंट में उनके पास 46,000 रुपये हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे अकाउंट में उन्होंने 10,000 रुपये दिखाए हैं, जिसकी शाखा राजस्थान के अनूपगढ़ में है। तीसरा अकाउंट भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है और इसमें कुल 67,000 रुपये बचत के तौर पर दिखाए गए हैं। यानी श्याम रंगीला के तीनों बैंक अकाउंट के पैसों को जोड़ दें तो उनके पास कुल 1,23,000 रुपये हैं और इसमें कैश इन हैंड 35,000 को भी जोड़ दें तो टोटल हो जाता है 1,58,000 रुपये। उनके पास किसी भी कंपनी के कोई शेयर या हिस्सेदारी नहीं है। बीमा पॉलिसी के नाम पर 2,80,000 का लाइफ इंश्योरेंस है। श्याम रंगीला के पास मारुति की बलेनो कार है, जिसे उन्होंने साल 2018 में 8,16,751 रुपये में खरीदा था। श्याम ने एफिडेविट में बताया है कि उनके पास सोने या चांदी का कोई वस्तु या गहना नहीं है। तो इस तरह श्याम रंगीला की कुल चल संपत्ति हो जाती है 12,54,791 रुपये। जमीन का जहां तक सवाल है तो श्याम रंगीला के पास खेती करने लायक कोई जमीन नहीं है। हाँ, उनके पास एक 45x25 फुट का प्लॉट है, जिसकी कीमत खरीदते वक्त 3,71,250 रुपए थी और इसे इन्होंने 26 मार्च 2024 को खरीदा है, जिसकी फिलहाल कीमत करीब 4,00,000 रुपए आंकी गई है। अगर लोन की बात करें तो श्याम रंगीला ने अपने हल्फनामे में बताया है कि उन्होंने ICICI बैंक से लोन लिया था और अभी 7,66,293 रुपए उन पर बकाया हैं, यानी उन्हें इतनी रकम चुकानी है। श्याम रंगीला सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की आवाज़ में मिमिक्री करने के लिए मशहूर हैं। वो अक्सर पीएम मोदी जैसी आवाज़ निकालकर ज्वलंत मुद्दों के लिए कमेंट्री करते हैं। श्याम रंगीला ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें नामांकन भरने से रोका गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उनका नामांकन तो दाखिल हो गया, लेकिन उसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि श्याम रंगीला ने शपथ नहीं ली। इस बारे में श्याम रंगीला ने एक वीडियो जारी कर जवाब दिया है। दोस्तों, बहुत दुख की बात है और मैं इस समय आपको कारण बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कारण क्या है इसके पीछे का। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसने आपने शपथ नहीं ली है। जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है। तुरंत हम गए, हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9-9:15 बजे तक कि हमारा नॉमिनेशन हो गया है। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहाँ पे DM ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए।
ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे, हमने संपर्क किया, वहाँ पे जो है DM साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे, उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक है ये, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। तो श्याम रंगीला फिलहाल वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ने को लेकर खूब चर्चाओं में रहे हैं। उनका नामांकन रद्द होने को लेकर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।